मुझे शुरू से ही दवाइयाँ खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। कभी बीमार पड़ती थी और डॉक्टर दवाइयाँ प्रिस्क्राइब करते थे तो कुछ मेडिसिन मैं स्किप कर जाती थी उसमें से, जिससे कि मेरी बीमारी और बढ़ जाती थी। अभी लास्ट 1 ईयर से मैं बीपी से ग्रसित हो गई और घर के लोग बहुत फोर्स करते थे कि नहीं मेडिसिन लेना है, डॉक्टर्स भी कह रहे थे आप मेडिसिन लीजिए, लेकिन मैं नहीं ले रही थी। फिर एक दिन मुझे चक्कर जब आ गया तो फिर घर के लोग बिल्कुल नहीं माने और ज़बरदस्ती ले गए डॉक्टर के पास, तो फिर मेरी लास्ट 2 मंथ से बीपी की मेडिसिन चल रही थी। तो जब मैंने इस कैंप के बारे में सुना कि लाइफ विदाउट मेडिसिन, तो ये तो मेरे लिए बेस्ट लगा मुझे कि क्या ऐसा भी हो सकता है क्या। मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा था वैसे, बट मैंने कहा कि चलो देखते हैं, अगर पॉसिबल है तो अच्छी बात है, क्योंकि मुझे मेडिसिन पसंद नहीं है। तो इस कैंप में आना हुआ और मैं शिव कुमार जी और डॉक्टर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने हमें एक बिल्कुल नई राह दिखाई। कई चीज़ें जो हमें बिल्कुल नहीं पता थी उन चीज़ों के बारे में बताया, जो हमारा बहुत ही एनरिचिंग एक्सपीरियंस रहा, बहुत ही इंफॉर्मेटिव सेशंस रहे हमारे। और मुझे लगता है कि शायद अब मैं मुझे दवाइयों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं जब कोई चीज़ दृढ़ निश्चय कर लेती हूँ तो उसको फॉलो भी करती हूँ, तो इसलिए मुझे लगता है कि मुझे दवाइयों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और सेकेंडली मैं सबको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी, स्पेशली आप लोगों को। आप लोगों ने बहुत ही वार्म और बहुत ही केयर किया हम लोगों का। हमारी छोटी छोटी माइन्यूट डिटेल्स के बारे में, जब मैं यहाँ पर आई तो मेरा सिर दर्द काफ़ी हो गया था, तो डॉक्टर साहब को जब बताया तो उन्होंने बहुत ही अच्छी तरह से मेरी देखभाल की, और साथ ही साथ यहाँ के स्टाफ ने भी मेरी देखभाल की। कुंजल वगैरह करवाने में मुझे तो उस वक्त बहुत ऐसा लग रहा था कि क्यों आ गई हूँ मैं, लेकिन उन्होंने मेरी बहुत मदद की और कुंजल करते ही मैं बिल्कुल ठीक हो गई। तो मुझे फिर लगा कि नहीं, यहाँ आने से बहुत फ़ायदा होगा, और फिर बाकी आगे जो भी लेक्चर सुने उससे मुझे बहुत फ़ायदा हुआ। इसलिए मैं आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, स्टाफ का भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, उन्होंने हमारे छोटी छोटी बातों का बहुत ख्याल रखा। बिल्कुल 4:30 बजे बिल्कुल आ जाती थी सब चीज़ें लेकर, तो मैं उसके पहले ही अगले दिन से 4:15 पे ही जगने लग गई। और साथ में मुझे ये परिवार भी बिल्कुल अपने परिवार जैसा ही लगा, ऐसे नहीं लगा कि हम कहीं कहीं और हैं। और बहुत कल तो बहुत ही घुल मिलकर सबसे बातें हुई, और आप सभी को भी बहुत बहुत धन्यवाद।